हमीरपुर जिला में नशे के बढ़ते कारोबार पर शिकंजा कसते हुए भोरंज पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में तीन युवकों से 15.23 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस थाना भोरंज की टीम ने कंजियाण गाँव के साथ लगते धलियारा पुल के पास गत शाम को नाका लगाया होता। इस दौरान एक गाड़ी को यातायात जाँच के लिए रोका गया। पुलिस को देख कर गाड़ी में सवार दोनों युवक घबरा गए। शक होने पर पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 6.80 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दीपेंद्र निवासी टिहरा जिला मंडी और अमित चौहान उर्फ मित्तू निवासी कंजियाण तहसील भोरंज को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एक अन्य मामले में दोपहर के समय पुलिस की टीम ने सूचना के आधार पर टिक्कर खतरिया पंचायत के धलेड़ा गांव में एक युवक के घर से 8.43 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। बता दें कि पुलिस थाना भोरंज के तहत मार्च माह के शुरू में ही NDPS के मामलों में बीते साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते साल पुलिस थाना भोरंज के तहत महज 4 NDPS के मामले दर्ज हुए थे, जबकि इस साल SHO कुलवंत की अगुवाई में मार्च माह के शुरू तक ही 7 मामले NDPS के दर्ज हुए हैं। इन 7 मामलों के 8 आरोपियों को भोरंज पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। फरवरी और मार्च माह में पुलिस ने आधा किलो से ज्यादा चरस और करीब 35 ग्राम चिट्टा विभिन्न पुलिस थानों के तहत आरोपियों से बरामद किया है। इस नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस नाके लगाकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन नशे के सौदागर नशा बेचने और खरीदने से परहेज नहीं कर रहे हैं। जिले में फरवरी और मार्च माह में करीब 579 ग्राम चरस और 35.23 ग्राम चिट्टा बरामद किया जा चुका है।